Hello, good morning, good morning, good morning from South Goa. तो अभी मैं हूँ बातल बातिम जो कि बीच है. ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी लहरें तेज हैं इस समय. और मैं आया हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए. टाइम है 6:40 और मेरे पीछे सनराइज़ हो चुका है, लेकिन आज बादल हैं. दो दिन से बादल हैं, ना सनसेट दिखाई दे रहा है ना सनराइज़ दिखाई दे रहा है. और अभी हम कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक. मैंने आपको फर्स्ट डे जब हम आए थे तब इवनिंग का व्यू दिखाया था इस सी का. ये देख लो ये पूरा बहुत ही प्यारा बीच है. लगता है कि प्राइवेट बीच है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम क्राउड होता है, और वो लेकिन साफ सुथरा बीच है. बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन बीच. यहाँ पे डॉगी घूम रहे हैं. तो हम करते हैं अभी मॉर्निंग वॉक, इसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल जाएंगे आसपास जो बीचेस रह गए थे कल मेरे, वहाँ कवर करूँगा. ओलवा भी कल जाने की कोशिश की लेकिन लेट होने की वजह से नहीं गया, तो आज कोलवा भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की दोबारा. मॉर्निंग में मैंने नाइट में दिखाया था, तो यही आज का प्रोग्राम. ये देखिए जली फिश मरी पड़ी है, लेकिन ये जली फिश बाहर आई हुई है. ये देखना, ये है जली फिश. और इससे पहले आपने सांप देखा था, यहाँ पे सांप भी है समुद्र में. ये जाली फिश हैं, ये बहुत सारी जाली फिश. ये देखो ये सारी जाली फिश बाहर आई हुई हैं. ये देखो ओह बहुत जाली फिश हैं यार यहाँ तो. ये सारी जाली फिश हैं यहाँ पे. ये देखो पूरा किनारा भरा हुआ है जेली फिश से. चलते हैं आगे तक. तो गाइस मैं वॉक करता मजोड़ा बीच पे आ गया हूँ, जो कि बेतल बातिम से राइट हैंड पे चल के है. लेफ्ट पे जाएंगे तो कोलवा बीच है, और राइट पे आएंगे तो मजोड़ा बीच है. ये है मजोड़ा बीच. ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे हट्स लगी हुई हैं, और बेड लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, मतलब कि काफ़ी एक्टिविटी होती है यहाँ पे. और ये भी ठीक ठाक बीच है, साफ़ सुथरा है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है. आजकल वैसे भी कम ही टूरिस्ट आ रहे हैं हर जगह किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे. ये मेरे पीछे सी है, और ये आप देख रहे हैं मजोड़ा बीच. तो इस बेल्ट पे हमने तीन बीच देख लिए हैं, कोलवा और बेताल बातिम और ये मजोड़ा. तीन बीच हो गए हमारे यहाँ पे. ग्यारह बज के 30 हो चुके हैं, और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ क्योंकि मेरी गर्दन में काफ़ी पेन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैं ब्रेकफास्ट के बाद रेस्ट कर रहा था और मेडिसिन लेके अभी आया हूँ. तो गर्दन पूरी घूम नहीं रही है, पता नहीं पूरा ट्रिप कैसे होगा. तो अभी हम आए हैं कोलवा बीच पे. उस दिन फर्स्ट डे पे हम रात को आए थे, रात को क्लियर नज़र नहीं आया, तो हम दिन में अभी आए हैं. कल आना था लेकिन कल टाइम मिला नहीं. तो ये है कोलवा बीच, और काफ़ी लाइव बीच है, काफ़ी टूरिस्ट है इस पे, और काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एवरीथिंग सब कुछ हो रहा है. ये देखिए चारों तरफ का व्यू, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बीच है. अब थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा,
बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर हाफ एन आवर वन आवर के बाद फिर निकलेंगे नेक्स्ट कोई डेस्टिनेशन देखते हैं फिर। तो गाइस अभी हम आए हैं चित्रा म्यूज़ियम गोवा में और वो है कोलवा बीच के जस्ट 4 किलोमीटर के रेंज में ही है और हमें 10 मिनट लगे यहाँ पे आने में। और यहाँ पे जो टिकट है 300 रुपीज़ पर पर्सन है और कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे है। जब कोई भी मोटर व्हीकल नहीं चलता था और बिजली नहीं होती तो उस समय की सारी जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होती थी, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती थी, वो सब कुछ दिखाया गया। तो कुछ मैं पार्ट आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे रूम छुपा लूंगा, यू आर मी मेक स्वीट, तुम्हारे कई बातें बोल खूब सजा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे रूम छुपा लूंगा। शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। ये सामने देख रहे हैं बैतूल लाइट हाउस, कल हम गए थे यहाँ पे और ये है बैतूल बीच और यहाँ पे भी हम गए थे तो काफ़ी घूम के आना पड़ता है वहाँ पे बैतूल अपना लाइट हाउस के लिए। अब हम आए हैं बैतूल फोर्ट। तो गाइस मैं हूँ अभी बैतूल के फोर्ट पे। ये देखिए ये तोप, बहुत पुरानी तोप लग रही है ये। किले के नाम पे ये बस एक छोटा सा ही ये चबूतरा बना हुआ है और फोर्ट की दीवारें यहाँ से दिखाई दे रही हैं लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है अभी। तो ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं कुछ गोवा में, साउथ गोवा में, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको। और मेरे वहाँ से लगभग 21 किलोमीटर है और मोर देन हाफ एन आवर लगा है मुझे आने में यहाँ पे। दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है, मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे तुम्हें छुपा लूंगा। तो गाइस अभी हम देखने आए हैं कैडोडी रामा फोर्ट जो कि ओल्डेस्ट फोर्ट है गोवा का। जैसे कि मैं बता रहा था ये लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है ये फोर्ट और उसके बाद मुग़लों ने इस पे कब्ज़ा किया और लास्ट पे ये पुर्तगालियों के हाथों में गया था। तो काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इस फोर्ट की, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं अभी फोर्ट की ये वॉल पे खड़ा हूँ, दीवार पे खड़ा हूँ और सामने का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अभी ऊपर चलते हैं, इसके यहाँ से फोटोग्राफी करेंगे, यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ आपको अभी। और मैं कैडोडी रामा के टॉप बुर्ज पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे देखो तोप, एक ये है तोप, एक दूसरी वो तोप है, दो तोप है। और मैं पार का व्यू दिखा देता हूँ। होए होए होए, अभी मैं यहाँ पे खड़ा था पहले और यहाँ से तो बहुत ही यार ब्यूटीफुल नज़ारे आ रहे हैं सामने, देखो यार। और वो एक छोटा सा बीच नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बीच नज़र आ रहा है। और ये व्यू देखो, नज़ारा देखो, बहुत ही खूबसूरत। तो कैडोडी रामा का फोर्ट हमने एक्सप्लोर कर दिया है, पहले बैतूल फोर्ट किया था, बस ये अवशेष मात्र बचे हुए हैं, वैसे पूरा फोर्ट नहीं है। इसके बीच में तो काफ़ी चर्चेस वगैरह हैं और अभी देखते हैं आगे, एक बीच था वहाँ भी जाने की कोशिश करते हैं। अंधेरा होने वाला है और पहुंचते पहुंचते हमें वही मोर देन 1 आवर लगेगा। और ये फोर्ट के अंदर बीच में एक चर्च बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसकी फ़ोटोग्राफी करते हैं फिर चलते हैं वापसी। और आगे भी रास्ता जाने का कहीं भी, काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये। तो अभी मैं कैडोडी फोर्ट के बीच पर खड़ा हूँ और ये चर्च के साथ से रास्ता जाता है बिल्कुल उसके बिल्कुल बैक साइड पर, जहाँ से हम एंटर करते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसका गेट है, रास्ता है,
और ये काफ़ी नीचे आके है। ये देखिए हम बीच पे खड़े हैं और ये ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर बिल्कुल सब ऊपर तक। तो अभी वापसी जाते समय पूरा दम लगेगा। तो ये पूरा व्यू है यहाँ का, बीच का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो काफ़ी देर हो गई है और काफ़ी दूर जाना है, तो चलते हैं अब वापसी। ये रास्ता है देख लो, ये ऊपर जाने का रास्ता है, वो गेट नज़र आ रहा है, वहाँ तक जाना है। और ये रहा बीच, हम इतने ऊपर आ गए। इस तरह सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा और इसी तरह नीचे आना पड़ेगा अगर आपको बीच पे जाना है तो। चलते हैं अब सीधा ऊपर अपनी स्कूटी के पास। तो ये रास्ता है जहाँ से हम आए थे। तो ये देख लो रास्ता, तो आगे चर्च है और फिर बाहर निकल जाते हैं मेन गेट से। Oh, 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 oh